वेलकम टू द टुडे सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉगिन फॉर्म के बारे में और देखेंगे कि कैसे हम लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं टिंटर लाइब्रेरी को यूज़ करके पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन फॉर्म क्या होता है, कैसे हम लोग उसका लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लॉगिन फॉर्म में सबसे पहले यूज़र नेम होता है, जिसमें आपको यूज़र नेम देना है, फिर आपको पासवर्ड देना है। आप यहाँ पर पासवर्ड देंगे और यहाँ पर आपकी एक लॉगिन बटन होगी। तो कुछ इस तरीके से आपका लॉगिन फॉर्म का स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो इसी चीज़ को हम लोग पाइथन के अंदर बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग टिंटर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। पाइथन के अंदर ढेर सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जो कि हमें चीज़ों को करने में काफ़ी मदद करती हैं। अगर मैं टिंटर लाइब्रेरी की बात करूं, तो ये बेसिकली हमें GUI प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है और फिर इसके फंक्शंस को यूज़ करने। तो आइए इसको बना करके देखते हैं कि कैसे हम लोग लॉगिन फॉर्म बना सकते हैं पाइथन के अंदर। वेलकम। तो आज हम लोग जो एडिटर यूज़ करेंगे वो है पाइचार्म एडिटर। हम लोग पाइचार्म एडिटर पर लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं पाइथन के अंदर यूजिंग टिंटर लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से। हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू पाइथन फाइल को ऐड करेंगे। इस पाइथन फाइल का जो नाम है, मैं यहाँ पर लॉगिन .py के नाम से सेव कर देता हूँ। सिर्फ आपको नाम देना है, .py एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली आप को मिल जाएगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है, टिंटर लाइब्रेरी को। तो जब भी आप टिंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम टिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक। ओके, एस्ट्रिक का मतलब है कि टिंटर लाइब्रेरी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे आपको यहां पर अवेलेबल हो जाए, राइट। तो अभी हम लोग को सिर्फ ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है और अब हम लोग यहां पर एक कंडीशन देने वाले हैं। हम लोग लिखेंगे इफ डबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर और इसके अंदर डबल अंडरस्कोर मेन, राइट। ये बेसिकली क्या होता है, जब इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर इस कंट्रोल पे आता है, यहां पर जब इस लाइन पर आएगा तो वो देखेगा कि इस नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या है और अगर उसे इस नेम वेरिएबल की वैल्यू मेन के इक्विवेलेंट मिल जाती है तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर के कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। वो इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा और सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे रूट नाम का और ये वेरिएबल होगा टी के क्लास का ये वेरिएबल होगा और ये टी के क्लास आपको कहां से मिलेगी, ऊपर टिंटर लाइब्रेरी से। तो यहां पर आपको टी के का एक ऑब्जेक्ट बनाना है रूट और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसका टाइटल यहां पर लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है रूट डॉट टाइटल और इसमें हम लोग कर देते हैं लॉगिन फॉर्म। यहां पर हम जो टाइटल इसका दे देते हैं वो दे देते हैं लॉगिन फॉर्म, रूट डॉट टाइटल लॉगिन फॉर्म और इसकी हम लोग ज्योमेट्री सेट कर देते हैं। साइज क्या रहेगा विंडो का वो यहां पर हम लोग सेट कर देते हैं और इसको हम लोग करेंगे रूट डॉट ज्योमेट्री और इसके अंदर आपको विथ एंड हाइट देनी है, राइट। तो लॉगिन फॉर्म है तो विथ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 400 कर देते हैं और इनटू 200 कर देते हैं, हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, विथ को थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं,
तो यहाँ पर हम लोगों ने 400 इंटू 200 का इसको विंडो साइज दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेबल्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लेबल वन बनाऊंगा और इसके लिए हमारे पास एक क्लास अवेलेबल है जिसको हम लोग कहते हैं लेबल क्लास। अगर आपको लेबल बनाना है आपको लेबल क्लास यूज करनी है और इसके अंदर आपको पास करना है रूट, जो ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है रूट उसे आपको पास करना है और इसके अंदर आपको लिखना है कॉमा, फिर आपको इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट के अंदर आप क्या करेंगे, यूजर आईडी लिख दीजिए, और इसी तरीके से हम लोगों को यहां पर एक और लेबल बनाना है। यहां पे हम लोग लेबल कर देते हैं, यहां पे हम लोग रूट कर देते हैं और यहां पर टेक्स्ट इक्वल टू हम लोग कर देते हैं पासवर्ड, टेक्स्ट इक्वल टू कर देते हैं पासवर्ड, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेबल बनाया है। लेबल क्या होता है, वो टेक्स्ट मैसेज होता है जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपने अभी देखा था उसी को हम लोग लेबल बोलते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने यूजर आईडी और पासवर्ड के नाम से दो लेबल्स बनाए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्रीज बनानी है, मतलब टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने ओके। लेकिन टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने के पहले हम लोग इसको विंडो पर प्लेस कर देते हैं। तो प्लेस करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लेबल वन डॉट प्लेस और प्लेस में आपको कोऑर्डिनेट देना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट देना है। तो कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो अगर ये आपका विंडो साइज है तो इसका जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है ये 00 से डिनोट होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 00 से डिनोट होता है और ये एक्स डायरेक्शन में होता है, ये एक्स डायरेक्शन में होता है और ये वाई डायरेक्शन में होता है, इधर अगर हम लोग मूव करते हैं तो एक्स डायरेक्शन है, इधर मूव करते हैं तो ये वाई डायरेक्शन। तो अगर मैं देखूं ये हमारा लेबल है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, हमारा लेबल है। तो ये जो यूजर आईडी हमारी स्टार्ट हुई है, यूजर नेम जहां से हमने स्टार्ट किया है, इसका हमें कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हमें एक्स में कितना चलना है और वाई में कितना चलना है, ठीक है, ये एक्स हो गया तो ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें पासवर्ड का भी बताना पड़ेगा कि पासवर्ड का भी कोऑर्डिनेट कितना है, ये हमें एक्स में बताना पड़ेगा, फिर हमें वाई में बताना पड़ेगा, ओके। तो आप देख रहे होंगे यूजर आईडी और पासवर्ड में एक्स हमारा सेम रहने वाला है क्योंकि एक्स की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे और वाई हमारा चेंज होगा। यूजर आईडी के लिए वाई हमारा दूसरा रहेगा और ये हमारा पासवर्ड के लिए दूसरा रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं एक्स 50 ले लेता हूं और वाई भी 50 ले लेता हूं, एक्स 50 और वाई 50, मतलब ये 50, 50 से स्टार्ट होगा और इसको हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स को 50 ले लेते हैं और वाई को 80 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 50, 50 ले लिया, ठीक है, जो हमारा यूजर नेम का पासवर्ड है, यूजर नेम का कोऑर्डिनेट है वो 50, 50 हो गया और इसको हमने क्या करा, 50, 80 कर दिया, तो इस तरीके से हम लोग इसका कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर और मैं यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा। तो मैं इसमें कर देता हूँ एक्स इक्वल टू 50 और वाई इक्वल टू, हम लोग वाई इक्वल टू भी 50 कर देते हैं, हमने एक्स इक्वल टू 50, वाई इक्वल टू 50 कर दिया लेबल वन के लिए। इसी तरीके से लेबल टू के लिए भी करेंगे, हम लोग लेबल टू के लिए भी करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने x इक्वल टू, x की वैल्यू सेम रहने वाली है तो यहाँ पे x इक्वल टू 50 कर देते हैं और y की वैल्यू हमारी चेंज होगी और इसको हम लोग कर देते हैं 80, इसको हम लोग कर देते हैं 80, ओके। अब हमें इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं। हमने लेबल बना लिया है, लेबल को प्लेस कर दिया है अपने विंडो के ऊपर।
अब हमें बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए अगर मैं पाइथन की बात करूं और टीकिंटर लाइब्रेरी की बात करूं, तो यहां पर हमारे पास एक क्लास होती है जिसको हम लोग कहते हैं एंट्री क्लास। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री क्लास यूज़ करेंगे। तो मैं अगर एक इवन के नाम से एंट्री बनाता हूँ, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर बस एंट्री को यूज़ करना है, राइट। और इसके अंदर आप पास कर दीजिए रूट वेरिएबल, जो हम लोगों ने रूट ऑब्जेक्ट बनाया था ना, उसको बस हम लोग को पास कर देना है, ओके। फिर इसी तरीके से हमें ई टू वेरिएबल बनाना है नेक्स्ट एंट्री के लिए, और इसको हम लोग कर देते हैं एंट्री रूट, ठीक है। अभी हम लोग इसमें कोई वेरिएबल पास नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर वेरिएबल पास करना होता तो इसी रूट के साथ में हम लोग पास करते हैं, यहाँ पे रूट कॉमा टेक्स्ट वेरिएबल, जो भी हम लोग को वेरिएबल का नाम देना होता वो यहाँ पर हम लोग दे सकते थे। अभी हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे हैं, तो हमने लिखा e1 इक्वल टू एंट्री रूट और e2 इक्वल टू एंट्री रूट, सेम। अब हमें क्या करना है, इसको भी प्लेस करना पड़ेगा। तो अब आपको देखना है कि जो लेबल 1 है, लेबल 1 के सामने हमें e1 को प्लेस करना है। तो लेबल 1 के सामने अगर हम e1 को प्लेस करेंगे, लेबल 1 के सामने अगर e1 को प्लेस करेंगे, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये जो हाइट है ना वो तो सेम रहेगी, क्योंकि यूज़र नेम के आगे हमें रखना है, तो ये हमारा हाइट सेम रहने वाला है। मतलब y की कोऑर्डिनेट को हम लोग सेम रखेंगे, x की कोऑर्डिनेट को हम लोग बढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा e1 डॉट प्लेस, e1 डॉट प्लेस, और इसमें हमें लिखना है x की वैल्यू को 150 कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, राइट। और y हमारा सेम रहने वाला है, y की वैल्यू हमारी रहेगी 50, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, e2 को प्लेस करेंगे, तो e2 डॉट प्लेस, और इसके अंदर हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ भी 150 रहेगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसी के जस्ट नीचे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, तो x की वैल्यू हमारी सेम रहने वाली है। चेंज क्या होगी, y की वैल्यू, तो y को हम लोग क्या कर देंगे, y को हम लोग कर देते हैं यहां पर 80, ओके। तो यहां पर हम लोगों ने लेबल बना लिया, हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नीचे बटन बनानी है, ठीक है। तो बटन के लिए भी बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है, हमें यहाँ पर बटन क्लास यूज़ करनी है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा बटन, हमें यहाँ पे बटन लिखना पड़ेगा, और एज यूजुअल इसके अंदर पास करना है आपको रूट ऑब्जेक्ट, ओके। और इसमें आप लिखेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर लिख दीजिए आप लॉगिन, ओके, आप यहाँ पर लिख दीजिए लॉगिन। और अगर आप इसकी विथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप विथ दे सकते हैं, जैसे हमने विथ दे दिया 10, राइट। और फिर हम इसको प्लेस करेंगे बी डॉट प्लेस फंक्शन के थ्रू, बी डॉट प्लेस फंक्शन के थ्रू, और इसमें हमें करना है x इक्वल टू 150 कॉमा y इक्वल टू 110 कर देते हैं, ठीक है। x 150 क्यों रखा, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट नीचे रखना चाहते हैं हम लोग, और y की वैल्यू को 110 कर दिया, क्योंकि हम 80 से 30 नीचे आना चाहते हैं। तो सभी में हम लोगों ने y कोऑर्डिनेट पे आप देख रहे हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर 30-30 का गैप रखा हुआ है, 50, 80, 110, राइट। तो ये हम लोगों ने एक सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाया है। अब हम लोग इसको फाइनली यहाँ पर लिखेंगे रूट डॉट मेन लूप, हमें इसको रन करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा रूट ऑब्जेक्ट के साथ में मेन लूप फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, और इसको हम लोग
कंट्रोल एस कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, राइट। आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। पाइथन में रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप स्पेसेस दे सकते हैं, इंडेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो इन सभी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। तो अब हम लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर भी आप स्पेस दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लेबल के बाद में और बाकी हम लोगों ने हर जगह स्पेस दिया हुआ है। तो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर स्पेस दे सकते हैं। तो अब हम लोगों ने इसको सेव कर दिया है, अब इसको हम लोग रन करेंगे, राइट। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करिए, रन लॉगिन करिए, तो आप देखेंगे यहां पर हमारा एक लॉगिन फॉर्म आ गया है। ये देखिए यहां पर हम यूजर आईडी डाल सकते हैं, यहां पे पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक लॉगिन फॉर्म है। इसका टाइटल भी आप देखें तो यहां पर आपको टाइटल दिख रहा है, यहां पर हम लोगों ने लॉगिन फॉर्म का टाइटल दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोगों ने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं, एक बटन बनाई है, लॉगिन बटन है। अभी हम लोगों ने डेटाबेस के साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं करी है, इसलिए यहां पर कोई इवेंट जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन हम इसको डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करके लॉगिन वैलिडेशन कर सकते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करके हम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं, सारे ऑपरेशंस यहां पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है जो हम लोगों ने यहां पर बना करके देखा है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल एक नए सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।